हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यह हमारा आधुनिक भारत का 29वां वीडियो है और टॉपिक भी 29 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? सही कथन यहाँ पर बताना। सबसे पहले उनकी नियुक्ति जो है 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके सदस्य सर जॉन साइमन थे और इसने संघीय सरकार की लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत में प्रशासन की जांच हेतु 1919 में शासन अधिनियम की व्यवस्था की गई थी। अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 दिवसीय अध्यक्ष सहित आयोग गठित किया गया। इसमें कोई सदस्य जो है भारतीय नहीं था। जहां जहां कमीशन गया उसे काले झंडे दिखाए गए। 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल होने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1930 ईस्वी में कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमीशन की सिफारिशें प्रांतों की स्वायत्तता, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी, बर्मा को भारत से अलग करना, भारत के लिए संघीय संविधान, प्रांतीय विधान विधान मंडलों के लिए विस्तार एवं मुसलमानों का विशेष प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर की। साइमन कमीशन के दौरान ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 31 मार्च के बीच में 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि के दौरान भारत में रहा और इस दौरान उसने लाहौर कहाँ कहाँ विजिट किया? लाहौर किया, कराची किया, पेशावर किया, तो ये पाकिस्तान के थे तीन। दिल्ली हुई, ये लखनऊ हुआ, पटना हुआ, कलकत्ता हुआ, शिलोंग हुआ, रंगून हुआ, मद्रास हुआ और नागपुर हो गया। तो यहाँ पर शिलोंग भी था, मद्रास भी था, रंगून, ग्वालियर नहीं था। तो आंसर हमारा जो नहीं है वही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन जो है उदारवादी था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, साइमन कमीशन में शामिल सदस्यों का विवरण। सर जॉन साइमन था लिबरल पार्टी से, क्लेमेंट एटली था लेबर पार्टी से, हैरी लेवी लासन लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से, सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कार्डोडन कंजर्वेटिव पार्टी से था, बर्नार्ड शॉर्ट शोन जो है लेबर पार्टी से, जॉर्ज रिचर्ड लेन फ्लेक्स जो है कंजर्वेटिव पार्टी से, और डोनाल्ड स्टेलिन पमार जो है होबर्ट, ये सारे शामिल थे। तो 7 लोगों का नाम यहाँ पर विवरण में दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया उदारवादी, तो लिबरल पार्टी जो है वो हो जाएंगे सर जॉन साइमन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसके सुझावों पर भारत को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और इसे व्हाइट मैन यानी कि श्वेत कमीशन भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि श्वेत कमीशन किसको कहा गया? तो साइमन कमीशन को ही कहा गया, जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो सब इंग्लैंड वाले ही थे, कोई इसमें भारतीय शामिल नहीं था। इस कमीशन का उद्देश्य जो है जांच करना था कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाए, इसका स्वरूप क्या हो। साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस सुझाव के लिए लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। तो इरविन ने कह दिया कि इसमें भारतीय नहीं होना चाहिए, सुझाव दिया।
तो उन्होंने नहीं रखा, कोई भी भारतीय नहीं था। इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं, साइमन कमीशन को ही। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? तो सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया था, किसी भी भारतीय को सम्मिलित ना करने का सुझाव दिया था। व्याख्या देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1919 की एक्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड को पारित करते समय ये घोषणा की थी कि वे 10 वर्ष के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार के लिए किए गए कार्यों और सुधारों की समीक्षा करेंगे, परंतु नवंबर 1927 में ही एक आयोग सर साइमन की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। आयोग के ब्रिटिश संसद के अध्यक्ष जो हैं 7 सदस्य सम्मिलित थे, इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी और साइमन अध्यक्ष बने थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे तथा किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जो कि अभी हमने देखे थे 7 नाम, और इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल हुआ था, इसलिए इसका विरोध भी किया गया था, जो कि प्रजातीय विभेद का जीता जागता उदाहरण था। उदाहरण के लिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई। इस कमीशन में भारतीयों का ना होना प्रबल विरोध का कारण बना। 3 फरवरी 1928 को आयोग के बंबई पहुंचने के दौरान लोगों ने काले झंडे दिखाए, इस कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सारे सदस्य जो थे वो यूरोपीय थे। आगे देखते हैं, 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, परंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव के कारण 8 नवंबर 1927 को ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर लिया गया। कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था, परंतु आश्चर्यजनक रूप से कमीशन के सभी सदस्य जो हैं यूरोपीय अंग्रेज थे और भारत में इसके तीव्र विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। प्रबुद्ध भारतीय जनमत को यह स्वीकार नहीं था। आगे देखते हैं, कथन ए और आर है। कथन ए कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो आर सही है और ए सही है और व्याख्या दोनों ही सही हो जाएंगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर फिर से दिया गया है व्याख्या, उसको भी देख लेते हैं। 1900 अब ये साइमन कमीशन क्यों आया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो बात कही गई थी कि हम 10 साल के बाद क्या करेंगे, संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, और इन्हीं सब बातों को जांच करने के लिए एक साइमन आयोग भेजा गया, और उस साइमन आयोग में क्या था, सारे के सारे 7ों के 7 सदस्य कौन थे, यूरोपीय थे, कोई भी भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन की अध्यक्षता में गठित जो है आयोग में कुल 7 सदस्य थे, यह हमने देख चुके हैं, और इसलिए इसका विरोध किया गया, इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। और 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को न नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुए थे? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बस एक ही बात थी इसमें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। साइमन आयोग के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने अपने वैचारिक मतभेद को भुलाकर इस संयुक्त मंच की स्थापना की, जिसे सर्वदलीय सम्मेलन कहा जाता है। 11 मई 1928 को सम्मेलन की बैठक बम्बई में बैठक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जिसके अंतर्गत सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, शोयेश कुरेशी, एम आर जयकर, सुभाष चंद्र बोस, एम एस आणे, एन एम जोशी, मंगल सिंह, जी आर प्रधान। जयकर ने बाद में इस समिति से अपना नाम वापस ले लिया था। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नेहरू सप्रू रिपोर्ट था, साधारणतया नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। अरविंदो घोष इस समिति के सदस्य नहीं थे।
ये 1910 में पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने अपना जीवन ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वदलीय सम्मेलन ने एक उप समिति की नियुक्ति की, जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकरने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, परंतु जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे। आगे देखते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी। 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के बाद देश में बहुत राजनीतिक अशांति थी। इसी बीच जो है अंग्रेज बिक्रेन हेड ने भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1928 में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय का था ये। साइमन कमीशन का विरोध करते समय शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को गहरी चोट लगी थी। इसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। चोट लगने के बाद जो है लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किए गए प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार थी, यंग इंडिया, इंग्लैंड, डेब टू इंडिया, स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा, युवा भारत का आह्वान और दुखी भारत। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे साइमन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान। आगे देखते हैं, साइमन गो बैक के नारे किसने लगाए थे? तो लाला यूसुफ मेहर अली ने। किसने लगाए थे? यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक नारा जो है बंबई में इकट्ठा हुए कम्युनिस्ट नेताओं के बीच यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे देखते हैं, वो है कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ थे? किसने कहा था? तो विक्रेन हेड ने कहा था। विक्रेन हेड हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने पर भारत विषयक सचिव लॉर्ड विक्रेन हेड ने यह कटाक्ष किया था कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने के असमर्थ हैं। उसने भारतीय नेताओं को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो। फलतः 1928 में भारतीय नेताओं ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1929 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये थे कुछ साइमन कमीशन से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।